हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अगली खबर का रुख करते हैं। किसान बिल को लेकर के एनडीए में फूट पड़ गई है। कृषि बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफा दे सकती हैं। कृषि बिल के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में आंदोलन चल रहा है। पंजाब के किसान पिछले कई दिनों से इसी तरह सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। अमृतसर से लेकर अंबाला तक किसान सड़कों पर हैं और इसी किसान आंदोलन की वजह से एनडीए में अब फूट पड़ गई है। सरकार के सहयोगी अकाली दल ने कहा कि बिल वापस नहीं हुआ तो उनकी मंत्री हरसिमरत कौर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देंगी। हमने कोशिश की कि जो पंजाब की किसानों की शंकाएं दूर होए, पर वो दूर नहीं हुई। बिल लाया गया, इसलिए हमने फैसला किया कि हम किसान के जो बिल खिलाफ है हम उसके साथ नहीं खड़ सकते। इस बिल के जरिए सरकार कह रही है कि बिल किसानों की कमाई बढ़ाएगा। बिल के मुताबिक किसानों को अपना उत्पाद राज्य सरकार द्वारा कृषि उत्पाद बाजार कानून के तहत की गई मंडी में ले जाकर बेचने की बाध्यता नहीं होगी। किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सीधे मिलों, निर्यातकों और खाद्य संस्करण में लगे व्यापारियों के साथ दाम तय करने का अधिकार होगा। किसान बिल पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। विधेयक आने वाले कल में किसान के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं, क्योंकि हम सब भलीभांति जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा भाग खेती का है। लेफ्ट पार्टियों ने बिल का विरोध करते हुए स्थायी समिति को भेजने की मांग की। इससे पहले कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम राज्य सरकारों से मांग की कि वो बिल का विरोध करें, नहीं तो किसान विरोधी होने का ठप्पा लगेगा। इस पर बात करेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत और हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये किसानों के हित का बिल है, लेकिन हम पंजाब से तस्वीरें देख रहे हैं और अब बात तस्वीरों से आगे बढ़ चुकी है। अब तो ये नौबत है कि अकाली दल सरकार से अलग हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अनुराग, सरकार चाहे कुछ भी कहे लेकिन पंजाब की जो राजनीति है, पंजाब हरियाणा कई जगहों पर किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली थी अनुराग, उसके पहले ही कांग्रेस के जितने सदस्य हैं पंजाब से लोकसभा के, उन्होंने जो अध्यादेश था इन दोनों विषयों पर, उसकी कॉपी जलाई थी पार्लियामेंट परिसर में, संसद परिसर में जलाई थी। और उस वक्त उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर सुखबीर बादल इस बात को लेकर सच में चिंतित हैं किसानों की बात को लेकर, तो उनकी पत्नी और अकाली दल की ओर से केंद्रीय कैबिनेट में हरसिमरत कौर बादल प्रतिनिधि हैं, वो क्यों नहीं रिजाइन करती हैं। तो इसी बात के जवाब में जब बोल रहे थे सुखबीर बादल, उन्होंने पहले भी कहा था कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो भी, उनकी पार्टी भी किसानों के खिलाफ है ये बिल और इसलिए इस बिल का विरोध करती है। और अंतिम में उन्होंने कहा कि जब तक हरसिमरत कौर सरकार से इस्तीफा देंगी अगर ये बिल इस बिल के विरोध में। जगविंदर पटियाल, अब विरोध केवल विरोध तक सीमित नहीं है बल्कि अब बात सरकार की फूट तक आ गई है, एनडीए में फूट हो सकती है और ये एक बड़ी चिंता का कारण हो सकता है सरकार का। एक तरफ किसान आंदोलन पर है, दूसरी तरफ एनडीए में फूट। देखिए, अटल बिहारी और प्रकाश सिंह बादल ने 40 साल पहले जो एक सौहार्द का रिश्ता जोड़ा था, हिंदू सिख के भाईचारे का जो रिश्ता जोड़कर बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का अलायंस किया था, वो अलायंस किसानों के कारण एक हाशिए पर पहुंच गया है और हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अकाली दल के लिए यह इस्तीफा मायने रखता था, क्योंकि अगर हम धार्मिक मुद्दों की बात करें तो कई विवादों को लेकर अकाली दल की ग्रामीण वोटर में जो है नाराजगी बड़ी थी, वो अकाली दल को लेकर नाराज था। अगर ऐसे में उस ग्रामीण वोटर की खातिर अकाली दल इस्तीफा नहीं देता, हरसिमरत कौर ये पद नहीं छोड़ती, तो वो नाराजगी अपने चरम पर पहुंच जाती और अमरिंदर सिंह और कांग्रेस को ये मुद्दा मिल जाता कि आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, राजपाट के लिए आप किसानों को आपने पीछे छोड़ दिया, वो धरना लगा रहे हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये 2022 के विधानसभा इलेक्शन में वापसी के लिए अकाली दल का सही फैसला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस तमाम बातचीत के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए।